हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में जो वैकेंसीज आई हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर, तो उसके लिए हम बात करेंगे कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है कि ऑथेंटिक साइट पर जाकर जो है सारी जानकारी लेना। किसी भी फॉर्म को आप फिल करते हैं सबसे पहले डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप kvssangathan.nic.in सर्च करेंगे गूगल पर, तो आप जो है इस ऑथेंटिक साइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट ये चीज़ दी हुई है, तो यहाँ आप जो है अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो टाइटल में दिखाई देगा वन नंबर पर, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन KVS, यानी केंद्रीय विद्यालय में जिस भी पोस्ट पर जो है वो आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो डिटेल में आपको जानकारी यहाँ मिलेगी। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप भर सकते हो, सेकंड नंबर पर दिया हुआ है। थर्ड नंबर पर दिया हुआ है यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, यानी TGT और प्राइमरी टीचर PRT के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से लाइब्रेरियन के लिए और नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं केंद्रीय विद्यालय में, यानी कि सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, ये केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो वैकेंसीज आई हुई हैं तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी को जो है डिटेल में नहीं देखेंगे, आप देख सकते हो ऑथेंटिक साइट मैंने आपको बता दी है। तो पब्लिश जो है वो 5 दिसंबर को ये हुई है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो TGT है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर इन KVS, तो इसमें हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि जो है आपको पता लग जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो है यहाँ पर जाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कैसे जो अप्लाई करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन जो है इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो हम किसकी बात कर रहे हैं, TGT पोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और PRT की। तो यहाँ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर, इसकी फ़ीस क्या है, क्योंकि फ़ीस जो है वो बच्चों को जो है वो पता लगनी चाहिए कि फ़ीस जो है किस कितनी है। तो यहाँ पर 1500 रुपये जो है वो फ़ीस चार्ज है। कितना है, 1500 रुपये फीस चार्ज है यदि आप जो है इसके लिए अप्लाई कर रही हो, ठीक है। उसके बाद जो है देखो हर चीज़ की जानकारी आपको लेनी है क्योंकि फीस ज़्यादा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में जो पोस्ट है वहाँ आपको सैलरी जो है वो बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप लोगों ने यदि CTET क्लियर किया हुआ है, BEd के बाद CTET आपने क्लियर किया हुआ है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो TGT पोस्ट के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि यदि आप PGT के लिए करते हो तो वहाँ पर जो है BEd चाहिए होता है, CTET जो है वो अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर CTET जो अपियरिंग है, यानी कि जिन्होंने अभी तक CTET क्लियर नहीं किया है, फॉर्म डाला है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे, CTET यहाँ क्वालिफाई ही चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पे आपको जाना है, ठीक है। किसी भी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो प्रोसेस यही रहेगा। ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि आप लोग जो है सबसे पहले डिटेल में इन्फॉर्मेशन लें, ठीक है, ऑथेंटिक साइट पर जा, कोई भी फेक साइट पर नहीं जाना है आपको। तो यहाँ पर क्योंकि फॉर्म की फ़ीस भी देखो 1500 है, और इसके अलावा जो है यहाँ आपको मेहनत भी बहुत करनी होती है, तो बहुत अच्छे से जो है वो आपको जानकारी भी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जानकारी लेंगे, डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, और दूसरा देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो जिस पर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जिसकी भी जिसका भी फॉर्म आप फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जाना है। तो हम इस पर जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको ओके करना है। नेक्स्ट ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर लेते हैं। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, यहाँ पर प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 जो क्लासेस जो हैं उसको पढ़ाने के लिए, तो ये जो पूरी जानकारी है वो आप धीरे धीरे जो है वो पढ़ेंगे किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये जानकारी जो है वो आपको यहाँ से लेनी है। और PRT के लिए भी देखिए यहाँ पर जो है वो 12th मांगा जाता है, यानी कि 12th तक जो है वो आपको जो सब्जेक्ट जो भी होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए।
उसके बाद यहाँ पर देखो प्राइमरी टीचर के लिए जो है यहाँ पर 2599 जो है यहाँ पर पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए जो है 1731 हैं, एससी के लिए जो है वो कितनी है 962 पोस्ट हैं। इसी तरीके से एसटी जो है उसके लिए 481 है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है वो कितनी है 641 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये सभी पोस्ट हैं, तो ये सभी जानकारी जो है धीरे धीरे आप जो है वो पढ़ेंगे यदि आप जो है वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। सबसे मेन बात क्या होती है, एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको क्या क्या जो है मांगा गया है। पे स्केल देखो सबसे अच्छी बात क्या है, पे स्केल यहाँ पर आपको देखो 35,400 से लेकर जो है वो 1 लाख से भी ऊपर जो है आपको सैलरी जो है मिलती है, यानी यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 30 ईयर मांगी गई है, तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। यदि आप जो है किस कैटेगरी में आते हैं, वुमेन हैं, यानी कि यदि आप गर्ल्स हैं तो आपको यहाँ पर 10 साल जो है वो आप इसमें जो है वो प्लस कर लें, ऐड कर लें, यानी कि 40 साल तक जो है वो आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है प्राइमरी टीचर के लिए, तो देखो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि 50% जो है वो आप सीनियर सेकेंडरी में आपके होने चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी यहाँ पर जो है वो आपने क्या किया हो, बीएड किया हो, 2 वर्षीय 4 वर्षीय जो भी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो ये भी जो है चलेगा। ठीक है, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और यहाँ पर आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हो। ठीक है, और पीआरटी के लिए जरूरी क्या होता है कि आपने जो है जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर 1 है, यानी लेवल 1 जो होता है सीटेट, वो क्वालिफाई किया होना चाहिए। वहीं पर टीजीटी के लिए क्या मांगते हैं, पेपर 2। ठीक है, क्योंकि पीआरटी वाले जो है 1 to 5 को पढ़ाते हैं और 6 to 8 को कौन पढ़ाता है, टीजीटी वाले पढ़ाते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, और बीएड तो इसमें मांगा ही गया है। अब देखिए एज रिलेक्शन, देखिए यहाँ पर 30 साल जो है इसमें कहा गया है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी जो है वो अपने जो है वो 5 साल जो है इसमें ऐड कर लें, यानी 35 साल तक के यदि आप होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। अदर बैकवर्ड क्लास जो है यानी कि ओबीसी जो है वो 3 साल का मिलता है इनको। उसके बाद यदि आप किसी भी कैटेगरी की वोमेन हैं, तो वोमेन यानी कि गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छी जो है ये अपॉर्चुनिटी है कि 10 साल जो है इनको यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। कोई भी फॉर्म भरते हैं उसकी जानकारी जो है वो आप बहुत अच्छे से पहले यहाँ पर हासिल करें, फिर आप फॉर्म भरें। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी जो मिस्टेक होती है वो आपको जो है टेंशन दे देती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको साइट बताई है, सर्च करके डाउनलोड करके और एक एक चीज़ जो है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट स्टेट जो है यानी कि टेस्ट जो है वो कहाँ पर हो सकता है, तो वो भी आपके दिया हुआ है, और ये चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी सिटी जो है वो दी हुई हैं, तो आप जी यदि राजस्थान के निवासी हैं, यानी ऑल इंडिया जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पर मैं राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बताऊँगी कि यहाँ पर जो है टेस्ट आपका अजमेर में, ठीक है, अलवर में, भरतपुर में, इसके बाद जो है वो बीकानेर में, जयपुर जो है यहाँ पर हो सकता है आपका, जोधपुर हो सकता है, कोटा, ठीक है, उसके बाद जो है सीकर, सीकर में लिया जाएगा, श्री गंगानगर यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी सेंटर जो है ये रहेंगे आपके, और उदयपुर। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया अच्छे से, तो ये चीज़ आप देख लें। और आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आप जो है फॉर्म भर सकते हो, किसी भी स्टेट से, यानी ऑल इंडिया में कहीं पर भी जो है वो आपकी जॉब लग जाती है। तो इस तरीके से बहुत अच्छी जो पोस्ट है, और लगभग 3 साढ़े 3 साल जो हो गए हैं जहाँ केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी जो है वो अब देखने को मिली है, तो इस चीज़ को जो है आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से जो है एक एक चीज़ जो है वो आप देख लेंगे। लास्ट में जो है हाउ टू अप्लाई, यानी कैसे आप जो है वो अप्लाई करोगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि जो ये साइट है किसी भी फेक साइट पर नहीं जाना है, www.kvssangathan.nic.in, गूगल पर आप ये सर्च करोगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस जो है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी है। फॉर्म की फीस जो है वो आपकी पीआरटी के लिए भी 1500 रुपये रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जो है 5 दिसंबर
यानी कि यहाँ पर 5 दिसंबर से लेकर और 26 दिसंबर तक जो है वो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर भी आप बैठे हो वहीं पर आप लिख लो कि 5 से लेकर 26 दिसंबर, यानी लास्ट डेट का वेट नहीं करना है आपको, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और कैंडिडेट के लिए और क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, वो भी आप देख लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। आप अगर केंद्रीय विद्यालय में आप जो है टीचर बनेंगे तो वहाँ आप हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों सब्जेक्ट में से जो भी आपने चूज़ किया है पढ़ा सकते हो। यदि आप SST के स्टूडेंट हो तो वहाँ पर जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो है वो आप बिल्कुल हिंदी में पढ़ा सकते हो। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय जो है CBSE बोर्ड, तो वहाँ पर हमें जो है वो इंग्लिश पढ़ानी होगी। नहीं, हिंदी और इंग्लिश जो है वो दोनों ही पढ़ा सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका जो है वो आपको फ़ायदा उठाना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको PRT के बारे में पूरी जानकारी दी है, उसी तरीके से आप जो है यदि आप TGT पोस्ट के लिए या फिर आप PGT पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। PRT के लिए जो है CTET 1 आपको चाहिए, यानी लेवल 1 चाहिए, पेपर 1 चाहिए। उसी तरीके से TGT के लिए BEd और क्या चाहिए, पेपर 2 चाहिए। और आपको पता है PGT के लिए जो है वो आप BEd प्लस आपने क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है आप लोगों के लिए। इसका फॉर्म जो है वो आप बिल्कुल भरिएगा, जिस भी बच्चे ने BEd किया हुआ है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। थैंक यू।